इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने वाले बयान पर शशि थरूर ने कहा कि यह टिप्पणी उन्होंने नहीं की, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर भी शशि थरूर ने लिखा है कि यह बयान 6 साल पुराना है, बीजेपी के पास कुछ नया नहीं, इसलिए अभी इसका जिक्र किया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं शशि थरूर की यह सफाई। There's an extraordinary. You go see the video. Go and see the video of myself. I don't have to make the same speech twice. No, sir. You quoted RSS. I'm sorry. I don't trust any of you guys. You are distorting and quoting our. Go and listen to the speech. तो शशि थरूर का बार बार यही कहना कि आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, और जो विवाद हुआ है उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया उनका यह कहना था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं वो बयान जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसे लेकर यह राजनीति शुरू हो चुकी है। There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of the Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold and that the scorpion is sitting on. तो शशि थरूर यही कह रहे हैं कि दरअसल ये बात उन्होंने नहीं कही है, बल्कि किसी के हवाले से ये बयान उन्होंने दिया। उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में हताशा है। थरूर के बयान पर शिव भक्त राहुल जवाब दें। मेरा सवाल राहुल गांधी से है, राहुल गांधी जी, आप अपने को शिव भक्त कहते हैं और आपके एक छुटभैया नेता ने किसी अनाम स्रोत के आधार पर भगवान शिवलिंग पर चप्पल फेंकने की बात कही है। यह भगवान शंकर का अपमान है कि नहीं है? यह कौन सी भाषा कही जा रही है? हिंदू देवी देवताओं का यह अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और पूरा देश देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो आज देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उनके बारे में इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी की है। देश देख रहा है, देश उसका जवाब देगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हताशा है। लेकिन मेरा सवाल सोनिया जी और राहुल गांधी से है कि भगवान शंकर महादेव शिवलिंग के ऊपर जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, चप्पल फेंकने की बात कही गई है, क्या इसका आप समर्थन करते हैं? कृपया करके देश को बताइए, और नहीं तो आप देश से माफी मांगिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।